अच्छा, ये आप चूंकि इकलौते बेटे थे तो आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, हॉस्टल में जाना पड़ेगा, ये कैसे होगा? पहली बार जब हम ट्रायल देने गए, ऐसे ही अखबार में पढ़ा कि ट्रायल्स हो रहे हैं ऑल इंडिया, तो हम लोग तो मज़े करने गए थे, मुझे नहीं पता था मैं सेलेक्ट होने वाला हूँ। पर जैसे जैसे ट्रायल चलता गया और वो उसमें से जलंधर के हम 30 लड़के गए थे, 2 लड़के सेलेक्ट हुए और बाकी 28 वापस आ रहे थे। मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा पटियाला में, मैं भी वापस चलता हूँ तुम लोगों के साथ। पर किसी एक लड़के ने मुझे बोला कि नहीं तेरा नाम आया है यहाँ पे, तू रुक अगला ट्रायल दे। अगला ट्रायल दिया मैं 30 में आ गया, उससे अगला ट्रायल दिया मैं फाइनल स्क्वाड में आ गया 15 की। तो मैं कहूँगा कि हम निकले थे मस्ती करने, वो बिल्कुल सीरियस वाली लाइन शुरू होगी वहाँ से। पर उसके बाद जब मुझे पता चला कि 3 साल के लिए मुझे अभी हॉस्टल में रहना है चंडीगढ़, तो मेरे बस से बाहर होगी। मैंने घर वालों से बोल दिया मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मैं घर से बाहर कभी गया नहीं था, इसलिए मेरा वहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा। कई बार मैंने कोशिश भी करी वहाँ से, एकेडमी से मैं भाग आऊँ, बहुत बार लड़के पकड़ के भी लाए बस स्टैंड से कि नहीं 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 जाना है, यहाँ खेलना है। तो खैर वो जो टफ टाइम था 2 साल, वहाँ से मुझे लाइफ का पता चला। एक एक साहब जो हैं उन दिनों से और उन बातों से भी जुड़े हुए हैं, आपसे भी जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ तशरीफ लाएं, आइए प्लीज। आप इधर आ जाएं सर। ये अरुण वर्मा जी हैं हमारे एकेडमी में। हम लोग जो ट्रायल्स हुए थे, जो 500-600 लड़के आए थे, उनमें से ये भी एक थे और ये हिमाचल रहते हैं और आज ये खुद भी रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी वगैरह बहुत कुछ खेले हैं। जी हम लोग बातें कर रहे थे जब ये वहाँ हॉस्टल में रहने लगे थे और फिर वो कोचिंग जो वहाँ चल रही थी, लेकिन तब भी क्या ऐसा लगने लगा था आप लोग जो साथ में ही थे कि दिस इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट? ये शुरू से ही बड़ा जिसको कहते हैं डिसिप्लिन सॉर्ट ऑफ प्लेयर था। मेरे को अभी तक ये कहता हूँ, वहाँ ग्राउंड्समैन होते थे। फर्स्ट डे जब हम आए थे वहाँ 18 लड़के थे हम, बाकी किसी ने नहीं पॉइंट आउट किया था, वो काफ़ी एज्ड ग्राउंड्समैन है उधर, उन्होंने पहले दिन बोल दिया था कि आप 18 में से कहते हैं एक ये लड़का है जो इंडिया खेलेगा। ये एक साहब आपके बारे में कुछ कहना भी चाहते हैं, यहाँ से सुनते हैं उनकी बात। हेलो हरभजन, कैसे हो बेटा? फर्स्ट क्लास सर। इस जगह को पहचाना आपने? ये वही क्रिकेट स्टेडियम सेक्टर 16 चंडीगढ़ का है जहाँ से आपने 94 में अपने क्रिकेट ट्रेनिंग की शुरुआत की थी। मुझे याद है जब आप क्रिकेट एकेडमी के लिए सिलेक्ट होकर पहली दफ़ा यहाँ एडमिशन लेने के लिए आए, रिपोर्ट किया आपने कि आप अपने पापा सर सरदेव सिंह के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ मेरे पास आए थे। हरभजन, जो आपने आज तक अचीवमेंट की हैं, हैट्रिक लिया है, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है बेटा, वो सब पीछे है, दैट इज़ ऑल बिहाइंड नाउ, यू हैव टू स्टार्ट योर इनिंग अगेन आफ्टर द इंजरी। आई विश यू ऑल द बेस्ट।